हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। सो आज की जो रीडिंग होने जा रही है ये जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन है, जिसे आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम अनुसार, डेट ऑफ बर्थ अनुसार जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी डिटेल मेंशन है और नाम के अनुसार भी डिटेल्स मेंशन है। दोनों में से जो भी आपको सही लगे आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए ओवरऑल प्रेडिक्शन चेक करने वाली हूँ, जिसमें मैं देखूंगी आपका करियर, लव लाइफ, आपके फाइनेंसेस और स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, फैमिली में लाइफ कैसी रहेगी, ओवरऑल एनर्जीज को हम चेक करेंगे। ध्यान रखना, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं स्पेशल रीडिंग जो है आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी, जो कि मैं हर महीने पोस्ट करती हूँ राशि अनुसार, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या होने वाली है और उनका एक्शन आपके लिए क्या होगा। वो एक अलग से आप लोगों के लिए रीडिंग जो है पोस्ट की जाएगी जुलाई मंथ के लिए। ठीक है, सो उसके लिए आप जरूर सब्सक्राइब करके रखना अगर इस चैनल में आप न्यू है तो। ठीक है, सो उसके अलावा ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे फोकस नहीं करना, पुरुष स्त्री दोनों के लिए बनाई जाती है। आपका ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग वगैरह बाय करनी है तो उसके लिए ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ध्यान रखना, मैं इंस्टा और फेसबुक पे द डिवाइन टैरो के नाम से अवेलेबल हूँ। लिंक दोनों की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टिकटॉक पे या किसी और अन्य प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं हूँ। ठीक है, सो अगर मेरे नाम से या मेरा फेस दिखाकर आपको कोई स्कैम कर रहा है, लाइक पैसे मांग रहा है रीडिंग्स के लिए, तो वो मैं नहीं हूँ। प्लीज थोड़े से अलर्ट हो जाए और रिपोर्ट करें उस अकाउंट को अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, सो साथ ही मैं आपको ये भी कहूंगी, अगर आप डोनेशन वगैरह करना चाहते हैं आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही ऑप्शन है वीडियो के ठीक नीचे, आप उस पर क्लिक करके डोनेशन कर सकते हैं जितनी आपकी श्रद्धा हो उस अनुसार। अगर नहीं भी करना चाहे इट्स ओके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले और वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करके कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके अलावा ये सारी डिटेल्स आप लोगों के लिए क्लियर है। अब आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए, अब बारी है सिंह राशि की, देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल जुलाई के महीने में। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंह राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है और जुलाई मंथ। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके और नाइन ऑफ वॉन्स। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें घटित होंगी जो एक बहुत बड़े मेजर चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े चेंजेस आने को है इस महीने। करियर के अपफ्रंट्स में देखें तो करियर में तो आप काफी बैलेंस जा रहे हैं, ना ज्यादा अप है ना ज्यादा डाउन है, ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। काम को लेकर बिजी बहुत रहेंगे और कहीं ना कहीं आइसोलेशन की एनर्जी ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत रहेगा काम का और ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इस महीने आप थोड़ा सा स्ट्रेस लेंगे जरूर। कुछ ऐसी घटना है जहां पर एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। आप बहुत लोगों की जॉब स्विच होगी, कुछ लोगों के लिए आप लोग घर चेंज करते नजर आ रहे हैं, जिस घर में आप हैं वहां से स्विच करेंगे। कुछ लोगों के लिए खर्चे बहुत बढ़ेंगे, खर्चों को लेकर बहुत ज्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि यार कैसे मैनेज होगा। डोंट वरी, सब मैनेज हो जाएगा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बस आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, कहीं ना कहीं फियर ऑफ लॉस से आप गुजर रहे हैं। ये महीना थोड़ा सा हैवी रहेगा, आने वाले महीने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। इस महीने कहीं ना कहीं आप सेफ रहने की कोशिश करोगे, काफी ज्यादा माइंड में जो है कंफ्यूजन सी बनी रहेगी और आलस सा रहेगा। ऐसा लगेगा कल कर लेते हैं काम, परसों कर लेते हैं, तो आलस की एनर्जी जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं इसकी वजह से आलसी एनर्जी रहेगी इस वक्त। इस महीने आप स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स दिखाई दे रही है, या तो आप बहुत देर से सोएंगे या देर देर तक जागेंगे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है फैमिली के रिलेटेड भी आप फैमिली से थोड़ा सा डिटैच ही रहेंगे इस महीने। आप थोड़ा सा फैमिली से कट्टे कट्टे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस में नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हुए नजर नहीं आ रहे, अपनी बातें किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बिजी बहुत हैं इस महीने, बहुत बिजी हैं। अब या तो आप अपने दिमाग में बहुत ज्यादा सोच विचारों में बिजी हैं या आप अपने काम को लेकर बिजी हैं, बिजी बहुत रहेंगे। ठीक है, बिजी होने की एनर्जी ज्यादा है। आप में से काफी लोग नया घर लेने की तैयारी करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया घर वगैरह लेना है उसके लिए, या एक न्यू घर में शिफ्ट होने के बारे में सोच विचार करेंगे, बिकॉज यहाँ पर टावर की एनर्जी विद मैजिशियन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने को है। और इस महीने आप अपने फाइनेंसेस को लेकर ज्यादा फोकस्ड है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे फाइनेंसेस पे आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। ठीक है, लव लाइफ पे देखा जाए, जिनका अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या ओवरऑल नॉर्मल अफेयर है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, तो मैं उन लोगों के लिए कहूंगी कि इस महीने आपको उनको लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और डिस्टर्बेंस महसूस होगा। आप कहीं ना कहीं उनसे सबोटैच करते हुए, उनको अपने से दूर करते हुए नजर आ रहे हैं।
फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है नाइन ऑफ पेंटिकल के साथ, जिसमें आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझेंगे। आपको लगेगा ये मेरी अपनी वैल्यू है, मैं इस व्यक्ति के पीछे ज्यादा नहीं भाग सकता या नहीं भाग सकते। आपको आपके पार्टनर अंडरस्टैंडिंग नहीं लगेंगे, आपको लगेगा आपके पार्टनर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, जो आप डिजर्व कर रहे हैं वो आपको वो दे नहीं रहे, आपको हर्ट ज्यादा किया जा रहा है। किसी तरीके की ऐसी एनर्जी में हैं आप जहाँ पर आप उनको अपने से दूर करते हुए, उनके प्रति नेगेटिव होते हुए, उनको ब्लॉक करते हुए, नंबर डिलीट करते हुए या इग्नोर करते हुए जरूर नजर आएंगे। इस महीने आप अपने पार्टनर को, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को समझने से इनकार करेंगे, उनको लेकर एक तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग या डिफरेंसेस जरूर फील करेंगे। इस महीने आपके दिल के करीब कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आपका घर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जॉब आपके लिए या कोई इंपॉर्टेंट है, या आपका कोई रिश्ता, कोई एक चीज़ में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कोई एक रिश्ता जिसको आप मजबूती से पकड़ कर बैठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा, वो व्यक्ति एकदम से बदलता नजर आएगा, या घर वगैरह जो चेंज करना पड़ेगा उसमें आपकी इच्छा नहीं रहेगी, आपको लगेगा क्यों चेंज करना पड़ रहा है, मुझे घर इतना पसंद है। तो इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आप एक कम्फर्ट जोन में है, जहाँ से एक मेजर स्विच और कहीं ना कहीं अचानक से काफी ज्यादा चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं आप परेशान हो रहे हैं। इस महीने की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपके लिए अप एंड डाउन हो गया। सडनली हेल्थ खराब होगी पर एकदम से ठीक भी हो जाएगी, कुछ इतना मेजर नहीं रहेगा, लेकिन सडनली हेल्थ डाउन और अप होगी। लेजीनेस बहुत फील होगी, ऐसा लगेगा कि आराम कर लें बस, किसी से मतलब बोलते ना थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड से रहे, थोड़ा रेस्ट मिल जाए, बट रेस्ट आप कर नहीं रहे, ओवर थिंकिंग के चलते आप रेस्ट नहीं कर रहे। मंत्र चांटिंग इस महीने आपको बहुत हेल्प करेगा, अगर इस महीने आप मंत्र चांटिंग कर रहे हैं, कोई भी मंत्र, कोई भी स्पेसिफिक मंत्र अगर आपको बहुत अट्रैक्ट करता है तो उस मंत्रों की चांटिंग करने से आपको बेटर फील हो सकता है, या और कुछ ना समझ में आए तो आप राम राम की चांटिंग कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत बेटर फील होगा। लेकिन आप किसी और धर्म के हैं तो आप अपने अल्लाह का चांटिंग कर सकते हैं, आप अगर क्रिश्चियन हैं तो आप अपने जीजस के लिए चांटिंग कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे आप उसे एक फ्रेज को चांट करें ताकि उससे आपको पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ मिले, ठीक है। इस महीने की एनर्जी में मैरिटल लाइफ वालों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइजेस ज्यादा रहेंगे। आप अपनी मैरिड लाइफ में, मैरिटल लाइफ मतलब मैरिड लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के साथ कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ आप वैसे वाली एनर्जी फील नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं और उस तरीके का एक्साइटमेंट नहीं फील कर रहे, बट कहीं ना कहीं आप एडजस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंसिस को लेकर आप ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, इसलिए हो सकता है कि पार्टनर को लेकर आप इतने एक्साइटेड या लव वर्व में इतने ज्यादा आप ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे। इस महीने आपका पूरा फोकस फाइनेंसिस पे ही है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपको लगेगा बस अब जहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है वेट करने का, वहाँ वेट करने से इनकार करेंगे, आप सोचेंगे इट्स बेटर कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊँ, आप आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। इस महीने जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दिख रही है वो बिजी होने की ज़्यादा है, बिजी और ऑक्यूपाइड ज़्यादा रहेंगे। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उन लोगों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, एफर्ट ज़्यादा डालनी पड़ जाएगी। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं आसानी से जॉब नहीं मिलेगी, ये महीना थोड़ा सा आपके लिए डिले करता हुआ चीज़ों को नज़र आ रहा है। इस महीने के लिए अगर स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं देखूँ तो स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा नहीं है, आपका ध्यान फेलियर्स पे ज़्यादा है, स्ट्रेस पे ज़्यादा है, आपका फोकस कहीं से भटका हुआ है जिसके वजह से आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे। यदि रिजल्ट आने वाले तो इस महीने आपके रिजल्ट अच्छे नहीं रहेंगे। लियो राशि वालों, ये महीना आप लोगों के लिए इतना कुछ खास अच्छा नहीं है, ये स्ट्रेसफुल महीना है जहाँ पर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, लेजी फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड हैं, आइसोलेशन की एनर्जी में ज़्यादा हैं, आपका मन थोड़ा सा विचलित रहेगा इस महीने, मन थोड़ा सा उदास सा है, जैसे कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करनी है, खुश रहना है पर खुश रहना भी आपको एक टास्क लग रहा है। इस महीने आप जो है आसपास के शोर से, लोगों से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ये मन ही मन बहुत सी चीज़ें हैं जो आप किसी को भूल नहीं पा रहे। यहाँ पर आप जो है कहीं ना कहीं सोच विचारों के वजह से ही बहुत ऑक्यूपाइड रहेंगे। इस महीने हो सकता है कि आपको लग सकता है कि आपके ऊपर डेप्थ बहुत बढ़ रहे हैं, आपके ऊपर कर्जे बहुत बढ़ रहे हैं और आपको चुकाने में बहुत स्ट्रेस फेस करना पड़ रहा है, स्ट्रगल है और कहीं ना कहीं स्ट्रेस बनेगा इस महीने। नाइन ऑफ वॉन्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सिर्फ इस महीने की कहानी होने वाली है, बहुत जल्द आप अपने गोल्स और अपने जो प्लान्स है उस अकॉर्डिंग आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, चाहे बिजनेस हो या जॉब, बहुत जल्द आपको आपकी लाइफ में आपके गोल्स अचीव होते हुए नजर आएंगे, रिवॉर्ड्स या ब्लेसिंग्स मिलेगी। पर ये महीना थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा, इस महीने आपको सॉल्ट वाटर बात लेनी है, मंत्रों की चांटिंग करनी है, पॉजिटिव अफर्मेशन प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका मन जो भावुक हो रहा है वो आपका स्थिर हो जाए, माइंड आपका स्थिर रहे, ठीक है। यहाँ पर जो सिंगल है, जो शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो अपनी शादी सही जगह ना हो पाने को लेकर बहुत परेशान है, एक सही रिश्ता ना मिलने को लेकर बहुत एग्जॉस्टेड है, ऐसा फील कर रहे हैं कि पता नहीं शादी होगी नहीं होगी या जिंदगी भर अकेला रहना पड़ जाएगा, इस तरीके के थॉट मन को डराते हुए नजर आ रहे हैं, मन बहुत ज्यादा भावुक होता हुआ, मन बहुत ज्यादा घबराता हुआ नजर आ रहा है। सिंगल्स के लिए क्या रिश्ता नहीं आएगा, मैं कहूंगी रिश्ता आएगा लेकिन लेट आएगा,
इस महीने आप लोगों के लिए कोई अच्छा प्रपोजल आता नजर नहीं आ रहा है, बट अगर कहीं बात चल रही है तो वहां पर से कोई अच्छी न्यूज नहीं मिलेगी। वहां कोई ऐसी न्यूज मिलेगी जिससे मन बहुत ज्यादा भावुक होगा और ऐसा लगेगा कि यार उम्मीद वहां बहुत ज्यादा थी पर वहां पे ही बात कहीं ना कहीं डिले हो गई। जो लोग मैरिड है उन लोग थोड़ा सा संभल कर रहे हैं, एडजस्ट तो कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए जिन लोगों के लिए सेपरेशन चल रहा है और अगर आप सेपरेशन नहीं चाहते तो आर्ग्यूमेंट से दूर रहें, आर्ग्यूमेंट अवॉइड करें पार्टनर के साथ वरना बात एकदम बिगड़ सकती है। जिन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ सेपरेशन का टाइम चल रहा है, जो लोग नहीं चाहते कि सेपरेशन हो, मियाँ बीवी आपस में सेपरेट हो, उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ इस महीने आप थर्ड पार्टी से बहुत परेशान हो सकते हैं। थर्ड पार्टी या आपके कंपटीटर्स या आपके दुश्मन आपको एग्जॉस्ट करेंगे, परेशान करेंगे, इस तरीके की एनर्जी बन रही है। दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, हालांकि आप दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताते हुए नजर नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं आपका ध्यान और किसी चीजों में है। इस महीने आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, आपका थर्ड चक्र अवेकन हो सकता है। अगर आप मेडिटेशन करें या आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को बनाए रखें तो चांसेस है कि इस टाइम फ्रेम में आपको बहुत सारा क्रिएटिव आइडियाज अचानक से आना शुरू हो जाए, जिसको लेकर आप अचानक से एक्साइटेड हो जाएंगे। इस महीने की एनर्जी थोड़ी सी सैड एनर्जी है, बट आपको परेशान नहीं होना है और आपको अपने आप पे, अपने कर्मा पे बिलीव करना है, ठीक है। सुस्त नहीं रहे, जो काम है उसको कल पे टालने की जगह आज में करने की कोशिश करें, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, लियो राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून मून, डोंट बी सैड, सैड होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द आपका वक्त बदलने वाला है, बहुत जल्द मतलब मैं बोलूंगी थोड़े टाइम के अंदर ही। ये महीना थोड़ा सा आपके लिए बस हैवी है, इस महीने को आपको बहुत स्माइल करके हैप्पीली आपको सरवाइव करना है, आपको अपने आपको परेशान या एग्जॉस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ क्लैरिटी मिली होगी। इस रीडिंग को आपने एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।